क्या आप जानते हैं कि रेलवे स्टेशन बोर्ड पर समुद्र तल से ऊंचाई क्यों लिखी जाती है? अगर नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताएंगे। जब कभी हम किसी काम से रेलवे स्टेशन जाते हैं तो हम वहाँ कई तरीके के बोर्ड देखते हैं जिन पर आवश्यक जानकारी लिखी होती है। जानकारी को पढ़कर हम उस स्टेशन के बारे में काफी मदद मिलती है। इस प्रकार वहाँ पर एक बड़ा पीला रंग का बोर्ड होता है जिस पर उस स्टेशन का नाम बड़े अक्षरों में लिखा होता है और इसी बोर्ड पर छोटे अक्षरों में समुद्र तल से ऊंचाई लिखी होती है। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि इस तरह से इस बोर्ड पर समुद्र तल से ऊंचाई क्यों लिखी होती है। समुद्र तल से ऊंचाई क्या होती है? तो हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है और वैज्ञानिकों ने एक समान ऊंचाई नापने के लिए ऐसे तल की जरूरत होती है जो कि एक समान रहे। इसके लिए समुद्री एक ऑप्शन है क्योंकि समुद्र के पानी का तल हमेशा स्थिर रहता है। इसके अलावा इसका उपयोग सिविल इंजीनियरिंग में भी किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि बोर्ड पर समुद्र तल से ऊंचाई क्यों लिखी होती है। दरअसल ये ऊंचाई ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड समझाने के लिए लिखी होती है। इस ऊंचाई में उनको ट्रेन चलाने में मदद मिलती है जिससे वह लोग ऊंचाई और गहराई का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं और ट्रेन को उसी हिसाब से ऑपरेट करते हैं। जैसे मान लो कि कोई ट्रेन 200 मीटर समुद्र तल की ऊंचाई से 250 मीटर समुद्र तल की ऊंचाई पर जा रही हो तो ट्रेन चालक अपने हिसाब से ट्रेन की स्पीड को बढ़ाता है जिससे कि वह आसानी से ट्रेन को ऑपरेट कर सके। समुद्र तल की ऊंचाई की सहायता से ट्रेन का ड्राइवर तो ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इस समुद्र तल की ऊंचाई की सहायता से ट्रेन के ऊपर लगे बिजली के तारों को एक समान ऊंचाई देने में भी किया जाता है जिससे कि ये बिजली के तार आसानी से ट्रेन के तारों को हर समय छूते रहे। इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि रेलवे स्टेशन पर बोर्ड पर समुद्र तल की ऊंचाई क्यों लिखी होती है। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।